हाय, मैं राजीव सर। आज आपके बीच हम बिहार पुलिस का सिलेबस लेके आए हैं बाबू। क्या क्या प्लानिंग करना है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है और कितना हाइट है और कितना है, सब इसके विस्तार जानकारी हम देने आए। सीधे पॉइंट पे आते हैं। बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है वो लगभग 21,391 लगभग, उसमें 13,488 पुरुष का होगा और शेष जो बचेगा वो महिला का होगा, मतलब 79%। अब इसमें योग्यता पूछता है बाबू कि योग्यता कितना होना चाहिए, तो इंटर पास होना चाहिए, मतलब 10+2 होना चाहिए। और ये सबसे पहली क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल पहले इंटर पास होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, मेल है तो जनरल और ओबीसी वाले को 165 हाइट चाहिए और एससी और एसटी को 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ओके, फीमेल को चाहिए बाबू 155 हाइट। कितना चाहिए? 155 हाइट चाहिए। फीमेल को कितना चाहिए? 155 हाइट चाहिए। उसके बाद आता है एज, 18 से 25 है जनरल का एज और 18 से 27 है बीसी और ईबीसी का और 18 से 30 जो है एससी और एसटी का एज है। क्लियर है बाबू? और इसमें फीमेल का एज जो है 18 से 28 दिया गया, 28 जनरल का दिया है, उसी कैटेगरी से कम करते गया। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है बाबू। इसमें जो होता है जीके जीएस हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, तो ये दोनों मिलाकर जो बाबू कम से कम 70 नंबर का रहता है, जीके जीएस और साइंस मिलाकर 70 नंबर के रहता है। क्लियर है? और इसमें मैथ का 10 नंबर और हिंदी का 10 नंबर और इंग्लिश का 10 नंबर, एक दो नंबर आगे पीछे रहता है, लगभग 10-10 का एक आंकड़ा रहता है। ये सब कुछ 12th पर रहता है, बाकी इंटर पे ही रहता है, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद ये 100 क्वेश्चन रहता है और हर एक मार्क्स का एक नंबर रहता है, केवल ये क्वालिफाई नेचर है, केवल पास करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट आपका बनेगा फिजिकल से। क्या चीज़ से बनेगा बाबू? फिजिकल से आपका मेरिट बनेगा। तो फिजिकल से मेरिट के लिए पहले दौड़ना है, तो जेंट्स मतलब क्या है, पुरुषों का दौड़ जो है 1600 मीटर की दौड़ है वो 1600 मीटर की, और महिलाओं की दौड़ जो है 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर है। उसको 6 मिनट में और इसको 5 मिनट में क्या करना है, तय करना है। क्लियर है? अगर आप 5 मिनट से कम में आते हैं तो 50 मार्क्स दौड़ पे आपको 50 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद बाबू क्या है, आपको क्या है, गोला फेंकने पर 25 और क्या हाई जंप में आपको 25 नंबर में, देखो गोला फेंकने पर आपको 25 मार्क्स मिलेगा और हाई जंप में आपको 25 मार्क्स मिलेगा, ध्यान देना है। उसके बाद ये भी बताना है कि अगर 5 मिनट से हम पहले पहुंच जाते हैं तो 50 नंबर मिलेगा, 5 मिनट से 5:20 में, मतलब 5:20 में पहुँचते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। उसी तरह महिलाओं में भी 4 मिनट से पहले पहुंचते तो 50, फिर 4 से 4:20 में जाते हैं तो 40, 4:20 में, तो इसी तरह इन लोग का भी दिया गया है। सीधे फिजिकल पे मतलब कहने के मतलब दौड़ पे 50, गोला फेंकने पर 25 और हाई जंप में कितना 25 मार्क्स का है, और इसी पर आपका डिपेंड है मेरिट का। क्लियर है? तो ध्यान देना है कि मैथ रीजनिंग जीके नहीं, जीके जीएस और साथ में साइंस, साइंस इसके लिए टारगेट मैच हम निकाल रहे हैं 15 मई से। आप लोग की इच्छा है तो सुबह 7 बजे आइए, जो हम सिर्फ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय।